नमस्कार इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। एक महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, ये कहना है मुंबई की उच्च न्यायालय का। जस्टिस आरजी अवाचत की सिंगल बेंच ने ये आदेश पारित करते हुए सत्र अदालत के मई 2021 के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले को बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी पुलिस कांस्टेबल को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 6,000 रुपए का गुजारा भत्ता देना होगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका सवाल उठाती है कि क्या एक तलाकशुदा महिला डीवी अधिनियम के तहत गुजारा भत्ते का दावा करने के लिए पात्र है। उन्होंने आगे कहा कि घरेलू संबंध के परिभाषा में दो व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंध का जिक्र है जिसके तहत वे विवाह या वैवाहिक प्रकृति के संबंध के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक साझा घर में साथ रहते थे या फिर अतीत में किसी भी समय साथ रह चुके हैं। उच्च न्यायालय ने कहा पति होने के नाते याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करने का वैधानिक दायित्व तो है। चूंकि वह इसका इंतजाम करने में नाकाम रहा इसलिए पत्नी के पास डीवी अधिनियम के तहत याचिका दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जस्टिस अवाचत ने कहा कि याचिकाकर्ता भाग्यशाली है कि उसे सिर्फ प्रति माह 6,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया है जबकि वह पुलिस सेवा में कार्यरत है और हर महीने 25,000 रुपए से अधिक वेतन पाता है। याचिका के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल और महिला की मई 2013 में शादी हुई थी और दोनों वैवाहिक मतभेदों के चलते जुलाई 2013 से अलग रहने लगे थे। बाद में उन्होंने तलाक ले लिया। तलाक की अर्जी पर सुनवाई के दौरान महिला ने डीवी अधिनियम के तहत गुजारे भत्ते की मांग की थी। परिवार अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने सत्र अदालत का रुख किया था। सत्र अदालत ने मई 2021 में महिला की मांग स्वीकार कर ली। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दोनों के बीच अब कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं है इसलिए उसकी पूर्व पत्नी डीवी अधिनियम के तहत किसी भी राहत की हकदार नहीं है। उसने आगे कहा कि शादी टूटने की तारीख तक भरण पोषण से संबंधित सभी बकाया चुका दिया गया था। महिला ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि डीवी अधिनियम के प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि एक पत्नी जिसे तलाक दे दिया गया है या जो तलाक ले चुकी है वह भी गुजारा भत्ता और अन्य राहत के लिए दावा करने की पात्र है। बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर, देखते रहिए इंडिया 24।